तो हेलो गाइस, कैसे लोग वापस एक बार नए एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ओपी किस्म का मजेदार वाला, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है फूड ब्लॉग। एंड फूड ब्लॉग में बाहर नहीं जा रहा हूँ, घर के अंदर ही बना रहा हूँ पोटैटो बर्गर। मैं घर के अंदर बना रहा हूँ पोटैटो बर्गर एंड फर्स्ट टाइम मेकिंग कर रहा हूँ। मैं किचन में फर्स्ट टाइम हूँ कुछ बनाने में। चलो देखते हैं क्या हो पाता है मेरे से। तो चलो मैं पहले मेकिंग प्रोसेस आपको दिखा लेता हूँ। चलो गाइस, मैंने कटोरे के अंदर आलू ले लिया है। अभी उनको मतलब पूरा एकदम पूरा क्या कहते हैं, कुचलना पड़ेगा पूरा, तो मक्खन की तरह बनाना पड़ेगा पूरा। तो अच्छे से कुचल लो, मैं वही कर रहा हूँ। चलो मैं पहले ये कर लेता हूँ, आप क्या कहते हैं स्पीड में देखो ये कैसे करता है। Thank you.
Thank you.
पहले मैं लूंगा एक अच्छी सी प्लेटिंग एंड ड्रोन सॉस। तो पहले सबसे पहले मैंने को ये लोग इसको साफ करना पड़ेगा, को मैं साफ कर रहा हूं। तो गाइस ये रहा बर्गर, कुछ टाइम बनाया मैंने, तो देखते हैं खाने में कैसा। एंड ये अच्छा कुछ हालात ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है। तो फिर को इसको ड्रोन पर देने के लिए अच्छी जगह पर जाना पड़ेगा। ये रहा बर्गर, इसको खाने के बाद टेस्ट करने को क्या करते देखो। गाइस पहली बार बनाया लाइफ में एंड इतना मजा आया ना इसको खाने में, ये बताओ बहुत मजेदार है। लग रहा है खाने में, आप भी घर पर ट्राई करो, एकदम ओपी लग रहा है। मेरा रेसिपी एकदम बहुत मस्त है। एंड आप अगर चाहते हो पैटी चिकन हो, मतलब चिकन पैटीज एंड आलू का पैटीज ना हो, तो आप इस वाले वीडियो पे 50 लाइक एंड 80 कमेंट कर दो। मैं करूंगा, कंफर्म करूंगा, 80 कमेंट हो या ना हो, 50 लाइक होने से मैं ही कर दूंगा भाई, या 200 व्यूज ऐसे कुछ। करो जल्दी करो, करोगे तो मैं इसको मतलब चिकन पैटीज को बनाऊंगा। जल्दी करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को सपोर्ट। पहले इसको मजा लेता हूँ, बहुत ओपी लग रहा है खाने में। खाने में कहीं बताओ ओपी लग रहा है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी,